Dari Profesor Elvi, मैंने किसी कॉलेज किसी स्कूल में तालीम नहीं पाई है, मैंने सिर्फ पढ़ाई की है प्राइवेट। आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट यानी एम ए उर्दू हूँ और काकोरी कन्या कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ 19 साल से। और राजनीति वगैरह जो है ये मेरा मुझे इतना बड़ी दिलचस्पी है। राजनीति ऐसी होना चाहिए कि जिसमें किसी व्यक्ति को ठेस ना पहुँचे। आज की राजनीति जो है वो पहले की राजनीति से बहुत अलग है। ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए जिससे किसी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए या उसको लज्जित करे। राजनीति ऐसी होना चाहिए कि हर व्यक्ति का सम्मान हो। और मतदान तो इसलिए ज़रूरी है कि मतदान से हम एक सरकार चुनते हैं और उस सरकार को चुनने के बाद हम ये देखते हैं कि ये सरकार 5 साल का काम कर रही है। ये सरकार जब 5 साल अच्छा काम करती है तो हम दोबारा उस सरकार को चुनते हैं, और अगर सरकार काम अच्छा नहीं करती है तो हम उस सरकार को नकार कर दूसरी सरकार चुन लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा पहल। सरकार अगर दोबारा अवसर देते हैं, लेकिन अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती तो हम उस सरकार को नकार देते हैं और जनता उसको उतार कर दूसरी सरकार चुन लेती है। इसलिए मतदान में जो भी प्रधानमंत्री बने उसको चाहिए कि वो पहले जनता का दिल जीते, उसके बाद आगे बढ़े। जब जनता ही का दिल नहीं जीतेगा तो जनता उसको दोबारा प्रधानमंत्री कैसे बनाएगी। ये अमर उजाला एक ऐसा पेपर है जिसको मैंने पढ़ा है, अक्सर पढ़ता रहता हूँ। ये इस तरह की जो मुहिम में शामिल होता है, मुझे ये हर्ष होता है, ये खुशी होती है कि अगर पेपर इस मुहिम में सम्मिलित हो। ये मुहिम चला रहे हैं उनको बहुत सराहनीय है और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा इसलिए करते हैं कि ये पेपर लोगों को जागरूक करता है।